आपने जब गणना, जैसे गिद्ध गणना की आपने बात करी, मैं अभी इससे पहले मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स लोग जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारे प्रदेश में बाघ की संख्या कितनी है, गिद्धों की संख्या कितनी है। तो जैसे पन्ना में अपन देखेंगे कि गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गिद्धों की संख्या जैसे काउंटिंग कैसे होती है, जैसे आप देखिए बोल रहे हैं कि गिद्धों की क्या होता है कि वन विभाग तो अपनी तरफ से करता है। हाँ जी ये जो इनिशिएटिव था ये आई गेस दूसरा या तीसरा इनिशिएटिव था, उस टाइम पे फील्ड डायरेक्टर श्रीनिवास मूर्ति साहब थे जी। और उन्होंने बेसिकली जो पन्ना का टाइगर रिवाइवल हुआ तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जन जागरण से संरक्षण, हाँ तो लोगों को इन्वॉल्व करके, तो उन्होंने लोकल लेवल पे लोकल विलेजर्स के साथ मिलके वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन हाँ इस्टेब्लिश की वापस से। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा आया कि पन्ना में टाइगर ख़त्म हो गए थे हाँ और उस टाइम पे वापस से टाइगर को वहाँ पे वापस इंट्रोड्यूस करना। किया गया, 6 या 7 टाइगर इंट्रोड्यूस हुए, और आज की डेट में वहाँ पे 60-70 टाइगर हैं वहाँ हाँ पे। तो और ये सब चीज़ें कभी भी विभाग या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं कर पाती है। तो वहाँ पर लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लोकल कम्युनिटी ही नहीं चाहेगी कि मेरे आसपास जंगल रहे या जानवर रहे, तो कोई भी पॉलिसी या लॉ उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। तो अच्छा पन्ना के अच्छा लिए ये बड़ा वो था क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, रॉयल फैमिलीज थी जिन्होंने पन्ना को उस विस्तृत भाग में देखा था कि अच्छा कैसे पूरा इकोसिस्टम सर्वाइवल था, हाँ टाइगर्स थे, चीज़ें थी, तो उनका सपोर्ट था। लोकल गांव वाले थे जिन्होंने टाइगर्स के साथ स्पेस शेयर किया था, उनकी अपनी कहानियां हैं चीज़ों को लेके। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज थे जहाँ पे उन बाघों को पूजा जाता है। तो इन सब हाँ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया और लोगों को जोड़ा गया, और इस तरह से वहाँ पे बाघ रिवाइवल किया गया। अच्छा। साथ में अब सिर्फ बाघ जंगल के लिए, सिर्फ बाघ हम बोल दें तो बाघ ही सब कुछ नहीं होता है। जी जंगल में हर एक प्राणी का अपना एक महत्व होता है, हर एक पौधे का एक महत्व होता है। यहाँ जी एक छोटे झिंगुर से लेके एक मछली, टाइगर, सब चीज़ें का इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल तो इसलिए वैसे इनिशिएटिव्स में फिर उन्होंने उस लोकल कम्युनिटी से उठ के एक बड़ा प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया कि इंडिया से और बाहर से भी वॉलंटियर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो उस सर्वे का पार्ट बन सकते हैं। और इनको बोला जाता है सिटीजन साइंस इनिशिएटिव्स। अच्छा तो जिसमें हम आम लोगों की भागीदारी, अब उसमें कैसे लोग आते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसे एनवायरमेंट वाले लोग आए, जी उसमें ऐसे भी लोग आए जो इंजीनियर्स थे, ऐसे भी लोग आए जो लॉयर्स थे। अच्छा तो सबको वो एक अवेयरनेस होता है, एक तो सेल्फ अवेयरनेस होता है, और फिर जब वो बिल्कुल बाहर जाते हैं तो वो 4 लोगों को बताते हैं हाँ तो उससे और लेवल पे अवेयरनेस होता है। दूसरा, वो डिपार्टमेंट के साथ एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि हाँ गिद्धों की गणना, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट में देखें तो एक 2000-3000 हेक्टेयर के एरिया में एक बीट गार्ड होता है। हाँ अब वो इतना बड़ा एरिया अकेले नहीं कर सकता है, तो अगर उसके साथ लोग जुड़ेंगे, हाँ लोग जाएंगे उसके साथ रहेंगे, तो एक तो लोगों को समझ आएगा कि वन विभाग कितनी मुश्किल सिचुएशंस में भी काम करता है, और बिल्कुल साथ में ये लोग उसके लिए सर्वेयर्स का काम करेंगे, हाँ एरियाज को सर्वे करेंगे और एक आंकड़ा निकालेंगे। तो जो गिद्ध गणना उस टाइम पे हुई थी उसमें हम लोगों को क्या किया गया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अलग अलग जो चौकियाँ थे जहाँ पे उनका पेट्रोलिंग स्टाफ हाँ रहता हाँ है या गाँव है, वहाँ पर हम लोगों को भेजा गया, दो दो तीन तीन के ग्रुप में, और वहाँ से फिर आप अगले सुबह जाएंगे, एक ट्रेल आइडेंटिफाइड होती है, आप उस ट्रेल पे जाएंगे और आप उस बीच में आपको जितनी भी एनिमल्स दिखेंगे, बेसिकली जैसे गिद्ध गणना के लिए गए थे तो हम गिद्धों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जितने भी गिद्ध मिलेंगे उनका रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा फिर इस डेटा को कंपाइल किया जाता है और कोलेट करके फिर वो फाइनल रिपोर्ट आती है कि हमारे यहाँ इतने गिद्ध हैं। तो ओके ऐसी गणना अब पूरे मध्य प्रदेश में होती है, और मध्य प्रदेश में बताना चाहूँगा कि सबसे ज्यादा इंडिया में गिद्धों का नंबर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बाघों का नंबर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, घड़ियाल का नंबर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जी तेंदुए का नंबर सबसे ज्यादा, और भेड़ियों का नंबर सबसे ज्यादा अरे हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है।